बरौत कस्बे में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बैठक संपन्न, ठहरे हुए समाज को गति देना है पत्रकारिता का कार्य, बैठक में बोले रमाकांत त्रिपाठी। जी हाँ नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पत्रकारिता का कार्य ठहरे हुए समाज को सांस और गति देना, जो समाज बनने वाला है उसका स्वागत करना, समाज को सूचना देना एवं जागरूक करना, नई रचनाशीलता और नई प्रतिभाओं को सामने लाना, उक्त बातें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी ने बरौत कस्बे में आयोजित संगठन के पत्रकारों के बैठक में कही। वहीं जिला सचिव एवं हडिया प्रभारी अमरजीत बिंद ने कहा कि साहित्य एवं पत्रकारिता दोनों अन्योन्याश्रित है, दोनों अभेद है। जहां साहित्यकारों ने अच्छी पत्रिकाएं निकाली है, वहीं अच्छे पत्रकारों ने यशस्वी साहित्यकार भी पैदा किए हैं। इस तरह दोनों का एक अभेद हमें दिखाई देता है। जिला सचिव एवं फूलपुर प्रभारी जयसिंह अग्रहरी ने कहा कि पत्रकारिता को साहित्य से शक्ति मिलती है, इसके विकास में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं जिला संयुक्त सचिव पुरुषोत्तम मिश्रा ने कहा कि नारद को हमारी परंपरा में आदि पत्रकार कहा गया, उन्होंने जो भी प्रयत्न किए उनका मकसद लोग मंगल ही होता था। तहसील अध्यक्ष हडिया रजनी शुक्ला ने कहा कि पत्रकारिता अपने उद्धव के उषा काल से ही लोक मंगल का संकल्प लेकर चली है, ठीक इसी तरह साहित्य में भी लोक मंगल ही उसके केंद्र में है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है एक समिति संसाधन और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति जिनके पास मीडिया हाउसेस नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उनका संकल्प बहुत बड़ा था। आगे चलकर उस संकल्प का परिणाम भी हमें दिखाई देता है। इस कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी सुशील पाल, नितेश मिश्र, प्रमोद मिश्र, धर्मेंद्र सिंह, रामजी साहू, राजेश गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, रंजीत सिंह, चंद्रभूषण बिंद आदि पत्रकार मौजूद रहे। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से हडिया पुरुषोत्तम मिश्रा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।